We have just seen Ampere's law to find magnetic field at a point. Now we will study second law to do the same. Biot-Savart's law और दूसरा नाम इसका है लैपलेस लॉ. दिस इज ऑल्सो यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ करंट कैरिंग वायर. अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज दिस इज अ वायर कैरिंग करंट, और हमें किसी ने पूछा कोई पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो वी हैव वन ऑफ द लॉ विच वी कुड यूज इज एम्पियर्स लॉ. वो सिमेट्रिकल सिचुएशन में लग रहा था. नाउ दिस इज अ जनरल लॉ, ये हर सिचुएशन में लगेगा, बट इट इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. यहां पे हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. बायोट-सावर्ट लॉ में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है. भले ही इस इक्वेशन में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, यहां पे इंटीग्रेशन साइन नहीं है, फिर भी यहां पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है. और एम्पियर्स लॉ में हमारे पास इंटीग्रेशन साइन था, बट वहां पे इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा था. तो यहां पे बायोट-सावर्ट लॉ में हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उससे ही आंसर आएगा. सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट बायोट-सावर्ट लॉ इज. तो अगर हम लोग का ये वायर है, दिस वायर इज कैरिंग करंट आई, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ करंट एलिमेंट. अब इसका मतलब क्या है, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर. अब इसमें मैंने कहीं पे तो एक सेक्शन ले लिया, वायर का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, एंड दिस इज अ एलिमेंट ऑफ द वायर. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट मींस स्मॉल सेक्शन. इस स्मॉल सेक्शन में भी करंट है, तो इसीलिए इस स्मॉल सेक्शन में जो करंट है उस एलिमेंट को बोलते हैं करंट एलिमेंट. स्मॉल एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग वायर इन विच देर इज करंट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट. तो उसको मैंने सिंबल दिखाया आईडीएल. आई मतलब देर इज करंट, डीएल मतलब एलिमेंट. तो इसको क्या बोलेंगे, ये सेक्शन, सेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट का सिंबल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आईडीएल. आईडीएल, आई इज करंट, डीएल इज एलिमेंट. तो हेंस आईडीएल डिनोट्स करंट एलिमेंट. What is the direction of current element? ऊपर मैंने वेक्टर साइन बनाया, करंट एलिमेंट में मैंने क्या बनाया, वेक्टर साइन. दैट मीन्स इट विल हैव अ डायरेक्शन. What is the direction of current element? डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट आइडियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, विच इज इन दिस केस अपवर्ड. करंट कहां है, इधर अपवर्ड. तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड. नाउ दिस इज द पॉइंट पी एट विच आई हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. इस छोटे से एलिमेंट के कारण, करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा. दैट छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय सिंबल डीबी. डी स्मॉल डिनोट्स फॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. स्मॉल डी मतलब स्मॉल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड. स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल डी कैपिटल बी. तो ये हम लोग का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पे, किसके कारण, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण. नाउ दिस पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट. लेट अस से द एंगल बिटवीन करंट और द करंट एलिमेंट एंड द रेडियस वेक्टर आर इज थीटा. What is theta? Angle between ideal vector and R vector. That is theta. Ab, what is Biot-Savart's law? dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal cross R upon R cube. ये हम लोग का Biot-Savart's law है. इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग, Laplace law. If you see this cross product is a vector product. It has both magnitude as well as direction. The direction of ideal cross R is the direction of magnetic field at point P. That is what I have written here. The direction of magnetic field dB is in the direction of ideal cross R, which is given by
राइट हैंड थंब रूल ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स में हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, उससे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा. द वेक्टर प्रोडक्ट डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इफ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का डेफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा. सो आइडियल क्रॉस आर विल बी आइडियल आर साइन थीटा. तो डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. अब आर क्यूब और आर दिस विल कैंसल, आर और आर क्यूब कैंसल होकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर. तो यहां पे हमारे पास नया इक्वेशन आ जाएगा आर आर कैंसल करने के बाद. डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इक्वेशन वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट एज वेल एज दिस इक्वेशन वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. दोनों इक्वेशन हमें याद करने हैं. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द डेफिनेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट एंड एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. लेट मी टेल इट अगेन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एज वेल एज लेंथ ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दिस इज फॉलोइंग वेरी वेरी इजी. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, द length of the element and inversely proportional to the square of distance and directly proportional to the sine of angle between them. So this is the definition of Biot-Savart's law. Yahan pe mu naught a constant which I have told multiple times, permeability of air or vacuum which is 4 pi into 10 raised to minus 7 SI units, ye yahan pe likha. Now this is Biot-Savart's law. हम लोग कौन सा यूज ज्यादा करेंगे, ये वाला या ऊपर वाला, दिस वन, बिकॉज दिस इज गिविंग अस मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू रिमेंबर एज कंपेयर टू दिस वन. तो हम लोग हमेशा ये चालू करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ बोलेंगे तभी. सो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई बायोट-सावर्ट्स लॉ. फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर. मान लो हमारे पास एक वायर है और वो सर्कुलर शेप में, कैसे शेप में, सर्कुलर. सपोज दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. सो दिस इज अवर फर्स्ट एप्लीकेशन. कंसिडर दिस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, द करंट इन द वायर इज I. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. The radius of the circular wire is smaller. First of all, to find the magnetic field at center, we will use Biot-Savart's law. Biot-Savart's law kya bolta hai? DB is equal to mu naught upon 4 pi ideal cross R upon R cube. Now, if I reduce this form of Biot-Savart law into this form, then we are talking about sine theta, where theta is the angle between ideal vector and R vector. So in this case, in this wire, ये circular wire जो हमारे पास है, उसमें मैंने नीचे एक element लिया, उसमें भी current है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, current element. तो अगर ये current element है यहाँ पे हमारे पास, this is the small element which is called current element because this is the small section of wire through which there is current. तो what is the direction of current इन दिस एलिमेंट, द आंसर इज करंट ऐसे कैसे फ्लो हो रहा है यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज. तो इस पॉइंट पे करंट कहां फ्लो होगा, करंट विल फ्लो इन राइट डायरेक्शन, करंट विल फ्लो इन राइट डायरेक्शन. तो आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन कहां है, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट आइडियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहां पे करंट का डायरेक्शन कहां है, एट दिस पॉइंट करंट फ्लोज इन राइट डायरेक्शन. तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन. रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, रेडियस वेक्टर ऐसे नीचे, रेडियस वेक्टर. तो दिस इज द रेडियस वेक्टर. सो इफ यू थिंक केयरफुली, रेडियस वेक्टर नीचे और करंट एलिमेंट राइट में, तो
तो कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? रेडियस वेक्टर नीचे और करंट एलिमेंट राइट में. रेडियस वेक्टर नीचे, करंट एलिमेंट राइट में. तो हाउ मच इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? 90 degrees. तो इसीलिए हम लोग ने थीटा को क्या लिखा? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर विच इज 90 degree. तो हम लोग का साइन थीटा, थीटा कितना होगा? 90. तो साइन 90 आ जाएगा. db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi आइडियल r साइन 90 अपॉन r क्यूब. अगेन r एंड r कैंसिल विच विल गेट r स्क्वायर. यहां पे तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? db इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi आइडियल अपॉन r स्क्वायर. साइन 90 1 हो जाएगा. साइन 90 कितना हो जाएगा? 1. तो साइन 90 लिखने का जरूरत ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव द सेम क्वांटिटी. तो ये हम लोग का db का वैल्यू है. दिस db इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? इतना db. छोटे से एलिमेंट के कारण db मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस एलिमेंट के कारण प्लस इस एलिमेंट के कारण प्लस इस एलिमेंट के कारण सब एलिमेंट के कारण हम लोग एड करेंगे. जैसे हम लोग का अगर ये वायर है, इस एलिमेंट के कारण हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, सबके कारण निकाल के हम लोग एड करेंगे. एड करेंगे तो वॉट विल बी गेट? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. एंड दैट प्रोसेस ऑफ एडिशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. तो बी इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ जो हम लोग का डीबी का वैल्यू है, ये मैंने यहां पे पुट कर दिया. म्यू नॉट अपॉन 4 pi आइडियल अपॉन आर स्क्वायर. नाउ म्यू नॉट एंड 4 pi दीज आर कॉन्स्टेंट्स. रेडियस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, करंट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. सब कॉन्स्टेंट्स को हम लोग ने इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल दिया. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi आर स्क्वायर, इंटीग्रल डीएल बच गया. अब इंटीग्रल डीएल, इंटीग्रल डीएल क्या है? इंटीग्रल डीएल इज, इंटीग्रल डीएल इज टोटल लेंथ. इंटीग्रल डीएल मतलब क्या? इंटीग्रेशन मीन समेशन. डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, तो क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ. तो टोटल लेंथ इसका कितना है वायर का? अगर ये सर्कुलर फॉर्म में तो टोटल लेंथ कितना है? 2 pi. तो टोटल लेंथ इंटीग्रेशन डीएल कितना आएगा? 2 pi. इंटीग्रेशन डीएल विल गिव टोटल लेंथ. टोटल लेंथ वायर का कितना है? सर्कुलर शेप में, इसीलिए टोटल लेंथ विल बी सर्कमफेरेंस विच इज 2 pi. पाई पाई कैंसिल, 2 and 4 कैंसिल. वी गेट अवर फाइनल रिजल्ट विच इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 r. तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल म्यू नॉट आई अपॉन 2 r. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ. द सेकेंड एप्लीकेशन आफ्टर दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. तो हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे, हमारे पास फिर से सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल रहेगा, पर उसका जो एक्सिस है, एक्सिस के किसी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग सेम बायोट सावर्ट्स लॉ और लैपलेस लॉ. Let us now move on to application 2 of Biot-Savart's law. The application is for magnetic field due to circular current carrying loop on its axis. तो ये हमारे पास circular current carrying loop है. इसका axis कहाँ होगा? Axis passes through the center. तो अगर हम लोग इसमें ऐसे पकड़े इसको डायग्राम के हिसाब से, तो इफ यू सी केयरफुली, ये जो फ्रंट साइड है ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो मैंने यहां पे सॉलिड लाइन से बताया. ये जो बैक साइड है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो मैंने यहां डॉटेड लाइन से बनाया. और इस डायग्राम में करंट कैसे है? द करंट इज लाइक दिस. इफ यू सी केयरफुली द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. तो एट हाइएस्ट पॉइंट अगर करंट ऐसे जा रहा है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट करंट कहां आ रहा है? तुम्हारी तरफ. लुक केयरफुली, ये अगर करंट ऐसे जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे करंट कहां जाएगा? अगर करंट ऐसे जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे करंट तुम्हारी तरफ आएगा. लेट मी शो द डायग्राम ऑफ करंट एट हाईएस्ट पॉइंट, दिस पॉइंट बाय दिस मार्कर. ये करंट कहां आ रहा है? तुम्हारी तरफ. बिकॉज करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे करंट किधर आएगा? तुम्हारी तरफ. तो अगर मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे एक एलिमेंट लिया, एक करंट एलिमेंट, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट विल बी डिनोटेड बाय सिंबल आइडियल वेक्टर.
आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन कहां है? आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है. तो हाईएस्ट पॉइंट पे करंट कहां है? टुवर्ड्स यू. करंट ऐसे तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो आइडियल वेक्टर कहां होगा? तुम्हारी तरफ. अब अगर मैं पूछूं, ये अगर एक्सिस है तो हमारा ये जो टिप ऑफ पेन है, टिप ऑफ पेन, तो टिप ऑफ पेन क्या होगा? पी पॉइंट, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. दिस पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर. दिस पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. अब ये जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट और पी पॉइंट का, इस डिस्टेंस को मैंने मार्क किया आर से. करंट एलिमेंट और पी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने किससे दिखाया? स्मॉल आर. बिकॉज बायोट सावर्ट्स लॉ में, विच इज दिस इक्वेशन, व्हाट इज स्मॉल आर डिनोटिंग? स्मॉल आर डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसीलिए हम लोग का स्मॉल आर डिस्टेंस हम लोग ने यहां पे मार्क किया. कैपिटल आर हम लोग ने रेडियस को बताया. कैपिटल आर हम लोग ने किसको बताया? रेडियस. और एक्स डिस्टेंस हमने किसको बताया? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. अब अगर मैं ये ट्रायंगल को वापस बनाऊं यहां पे, तो इफ यू सी केयरफुली, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, रेडियस, विच आई हैव शोन हियर. ये डिस्टेंस एक्स है, पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड टू सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, वो मैंने किससे मार्क किया? एक्स. तो हाइपोटेन्यूस को हम लोग ने कितना दिखाया है? स्मॉल आर. स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. ये स्मॉल आर दिखा दिया मैंने. बाय पाइथागोरस थ्योरम स्मॉल आर कम्स आउट टू बी रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. वही मैंने यहां दिखाया और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन थ्री. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अवर डेरिवेशन. ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, हम लोग को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा मिलेगा. छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा पी पॉइंट पे. छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है इसीलिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया? डीबी. डीबी मतलब छोटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा करंट एलिमेंट. अब इस डीबी का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं. ये डायरेक्शन ऐसे कैसे आया वहां पे? पी पॉइंट पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वहां कैसे आया? ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट. फॉर दैट वी विल यूज बायोट सावर्ट्स लॉ. डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल क्रॉस आर. ये मैंने बताया था बायोट सावर्ट लॉ में. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल क्रॉस आर. लेट अस थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ आइडियल क्रॉस आर. एट दिस हाइएस्ट पॉइंट करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कहां है? हाइएस्ट पॉइंट पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कहां है? करंट ऐसे जा रहा है तो हाइएस्ट पॉइंट पे करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो करंट एलिमेंट भी तुम्हारी तरफ है. तो करंट एलिमेंट मैंने मार्क किया आउटसाइड द बोर्ड. करंट एलिमेंट मैंने कहां मार्क किया? आउटसाइड द बोर्ड. और आर कहां है? आर स्मॉल आर इज दिस. स्मॉल आर इज दिस. तो एक हमारे पास वेक्टर है जो कि आइडियल वेक्टर है, विच इज आउट ऑफ द बोर्ड. दूसरा वेक्टर कौन सा है? स्मॉल आर. स्मॉल आर वैसे ही देखो उस फिगर में, स्मॉल आर इज लाइक दिस, जो कि मैंने यहां बॉल पेन से बताया स्मॉल आर. और आइडियल वेक्टर आउटसाइड, वो मैंने मार्कर से बताया. बाय यूजिंग राइट हैंड रूल फर्स्ट कीप थिंग थंब आउटस्ट्रेच. थंब को कैसे रखेंगे? आउटस्ट्रेच. कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर है आइडियल वेक्टर, सेकंड वेक्टर है आर वेक्टर. आइडियल वेक्टर ये मार्कर है टुवर्ड्स यू, आर वेक्टर ये बॉल पेन है. आइडियल से आर मतलब मार्कर से बॉल पेन में फिंगर्स को कर्ल कर रहा है. मार्कर से बॉल पेन फिंगर्स को कर्ल कर रहा है. द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ आइडियल क्रॉस आर. आइडियल से आर जा रहे हैं ना हम लोग, तो ये वेक्टर कौन सा है? थंब क्या दिखा रहा है? आइडियल क्रॉस आर. तो आइडियल क्रॉस आर वहां है. वहां है मतलब
यहां है, तो दिस इज डीबी वेक्टर ड्यू टू टॉप आइडियल वेक्टर, दिस इज डीबी वेक्टर ड्यू टू टॉप आइडियल वेक्टर। तो ये तो हम लोग ने मार्क कर दिया। बाय सिमिलर एनालिसिस, इफ यू डू द सिमिलर एनालिसिस फॉर लोअर करंट एलिमेंट, नीचे एक करंट एलिमेंट लिया और उसके कारण अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो नीचे के पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है, नीचे के पॉइंट पे करंट कहां जा रहा है अंदर, और आर कहां है तो आर इज लाइक दिस, ये स्मॉल आर, ये हमारा स्मॉल आर हो जाएगा नीचे के पॉइंट पे। तो नीचे के पॉइंट पे करंट कहां जा रहा है अंदर, तो मार्कर से मैंने दिखाया, और आर कैसा है ऐसे, अगेन डू आइडियल क्रॉस आर, आइडियल से आर, तो आइडियल क्रॉस आर कहां आएगा लाइक दिस नीचे, तो नीचे मतलब ऐसे, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डीबी नीचे इस एलिमेंट के कारण, तो लाइक दिस वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके हम लोग दो कंपोनेंट बनाएंगे, लेट अस कॉल दिस एंगल एज थीटा, जो हम लोग ये ट्रायंगल में मार्क किया थीटा, एंगल बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आई हैव मार्क्ड एज थीटा, तो वी कैन प्रूव मैथमेटिकली दैट दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा थीटा, बाय यूजिंग अ थियरम विच इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ये मैथमेटिकल थियरम है उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, व्हाट एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है थीटा, वो हमने मार्क किया है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन, तो ये एंगल भी कितना आएगा थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, सो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल मैंने मार्क किया थीटा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है ये वाला लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है ये वाला लाइन, तो ये दोनों के बीच में भी एंगल कितना आएगा थीटा। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये डीबी वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के साथ कितना आता है डीबी कॉस थीटा, और डीबी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आता है डीबी साइन थीटा, इस डीबी के कारण यहां पे आएगा डीबी कॉस थीटा, इस डीबी के कारण इधर आएगा डीबी कॉस थीटा, और इस डीबी के कारण ऊपर आएगा डीबी साइन थीटा, इस डीबी के कारण नीचे आएगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन, ऊपर डीबी साइन थीटा नीचे डीबी साइन थीटा, दे विल कैंसिल ऑफ, जबकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा एड होगा, दे विल एड अप, सो वी शुड गेट 2 डीबी कॉस थीटा यहां पे, लेकिन ये 2 डीबी कॉस थीटा किसके कारण होगा, सिर्फ ऊपर का एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट के कारण, क्या हमें सिर्फ दो एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नहीं, हम लोग को तो हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो हम लोग अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल देखे तो हमारे पास अभी एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल था, तो इमेजिन दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, वो मेरे पास घूम गया यहां पे, मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल रखा था, सो इमेजिन यस सो आई गॉट दिस, सो दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इस अपर एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट के कारण डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, 2 डीबी कॉस थीटा आएगा, पर क्या हमें सिर्फ इन दोनों के कारण निकालना है, नहीं, हमें इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण निकालना है, तो सबके कारण निकालना है तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, इट विल नॉट बी जस्ट 2 डीबी कॉस थीटा, 2 डीबी कॉस थीटा नहीं आएगा, हर एक एलिमेंट के कारण लेना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग ने यहां पे इंटीग्रेशन किया आगे जाके, दैट वी विल सी लेटर, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा विल बी अवर आंसर, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा, ये हम लोग का इक्वेशन आएगा, इंटीग्रेशन क्यों किया, जस्ट 2 डीबी कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ अपर एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट के कारण नहीं निकालना है, हर एक एलिमेंट के कारण निकालना है, हर एक एलिमेंट का सम करना है डीबी कॉस थीटा का, तो सम करना है मतलब समेशन करना है, समेशन मतलब इंटीग्रेशन, तो हेंस वी हैव मैग्नेटिक फील्ड बी इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। नाउ लेट अस फर्स्ट सी बायोट सावर्ट्स लॉ, db is mu naught upon 4 pi ideal cross r upon r cube, तो हम लोग फिर से अगर देखें तो
हाईएस्ट पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स यू था, विच आर शोन बाय मार्कर, और ये आइडियल वेक्टर है, दिस इज आइडियल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आर वेक्टर ऐसा है, आर वेक्टर इज दिस वन। तो इनके बीच में कितना एंगल है, देखो अच्छे से, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। दिस इज आइडियल वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, सी केयरफुली, आइडियल वेक्टर तुम्हारी तरफ था, ये आर वेक्टर यहां था, आर वेक्टर वाज लाइक दिस, स्मॉल आर वेक्टर, ये स्मॉल आर वेक्टर है, ये बॉल पेन, बॉल पेन इज स्मॉल आर वेक्टर, मार्कर इज करंट एलिमेंट वेक्टर, आइडियल वेक्टर, इन दोनों में कितना एंगल है देखो 90 डिग्री। तो इसीलिए एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। अब हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करें, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो आइडियल क्रॉस आर इज आइडियल आर साइन थीटा, बट थीटा कितना है, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर विच इज 90 डिग्री, तो आइडियल क्रॉस आर बिकम्स आइडियल आर साइन 90, तो हम लोग का साइन 90 आ गया। फिर उसके बाद डीबी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 तो 1 हो जाएगा, आर एंड आर क्यूब कैंसल ऑफ टू गिव आर स्क्वायर, आर एंड आर क्यूब विल कैंसल ऑफ टू गिव आर स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, तो हम लोग का डीबी का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क करके रख दिया। एंड इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो इसीलिए कॉस थीटा लिया मैंने, ये ट्रायंगल बना के मैंने यहां कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को हमने प्रूव किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, इट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए कॉस थीटा कितना आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट कितना है कैपिटल आर, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है स्मॉल आर, विच इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एंड पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन इन ट्रायंगल इज इक्वेशन 3, 1, 2, 3 हमें तीनों इक्वेशन यूज करना है आगे ताकि हमें रिजल्ट आए। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैग्नेटिक फील्ड डी इस एलिमेंट के कारण डीबी यहां ऊपर है, इस लोअर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी नीचे है, लेकिन इसका कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, कॉस वाला, साइन तो कैंसल होगा, साइन कंपोनेंट्स कैंसल, दे आर ऑपोजिट, साइन कंपोनेंट्स नहीं लेंगे, कॉस कंपोनेंट्स ऐड होगा सेम डायरेक्शन में, तो फिर वो ऐड होगा, ऐड होगा मतलब हर एक एलिमेंट का ऐड होगा, सिर्फ दो एलिमेंट नहीं, ऊपर और नीचे का नहीं, हर एक एलिमेंट का, तो हर एक एलिमेंट का एलिमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना है तो दैट इज समिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एंड समिंग मीन्स समेशन, summation means integration, so magnetic field total at point P is integration of db cos theta. Now we will substitute the value of db from equation 1 and value of cos theta from equation 2. db ka value maine equation 1 se yahan substitute kiya, cos theta ka value equation 2 se yahan substitute kiya, aur jo equation mila usme hum log ne equation 3 use kiya, ye equation 3 hai, ये सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने इक्वेशन 3 यहां पे स्मॉल आर का वैल्यू में, स्मॉल आर को मैंने क्या रखा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन यहां पे लिखा भी है मैंने, स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायरिंग आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट अवर न्यू इक्वेशन विच इज दिस इक्वेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को हम लोग साथ में ले लेंगे, ये दोनों को साथ में ले लेंगे, तो व्हाट विल बी गेट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 1 इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 1/2, स्क्वायर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेस्ट टू 1/2, तो अभी पावर से क्या हो जाएगा, ये 1 और 1/2 एड हो जाएगा, तो व्हाट विल बी गेट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2, तो वही मैंने यहां लिखा है, दिस इक्वेशन आई हैव रिटन हियर एज रेस टू 3/2,
अब इस इक्वेशन में जो जो कॉन्स्टेंट्स है सबको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकालना है, सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रल डीएल, बाकी सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, रेडियस आर कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है फॉर दिस गिवन अरेंजमेंट, हेंस ऑल द कांस्टेंट्स आर आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज इनसाइड इज इंटीग्रल डीएल। अब अगर इंटीग्रल डीएल हम लोग करें तो अगेन लेट अस सी दिस सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप था, मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे एक एलिमेंट लिया, नीचे भी एक एलिमेंट लिया, लेकिन बहुत सारा एलिमेंट्स है। इंटीग्रेशन डीएल इज टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन डीएल एल होता है, एल मींस लेंथ, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना होगा ये सर्कल का, डीएल इधर, डीएल इधर, डीएल इधर, इधर इधर, पूरा पूरा डीएल एड करेंगे तो टोटल आएगा लेंथ, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, तो 2πr विल बी द वैल्यू, इंटीग्रेशन डीएल इज सर्कमफ्रेंस, टोटल लेंथ विच इज 2πr, पाई पाई कैंसिल किया तो हमारा रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 × r² प्लस x² रेज़ टू 3/2। ये हम लोग का सिर्फ एक टर्म के लिए था, सिर्फ कितना टर्म था हमारे पास, एक टर्म, इसलिए ये रिजल्ट आया, दिस इज द रिजल्ट फॉर वन टर्म। अगर ऐसा हमारे पास मोर देन वन टर्म रहे, मोर देन वन टर्म मतलब मान लो ऐसा दो चार लूप्स रहे हमारे पास, ऐसा बहुत सारा सर्कुलर लूप रहे, मेनी मेनी सर्कुलर लूप्स, सी दिस, दिस इज अ सर्कुलर लूप एंड वी हैव मेनी मेनी सर्कुलर लूप्स, लेट अस से वी हैव एन टर्म्स ऑफ सर्कुलर लूप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा एन टर्म्स है, तो ये जो रिजल्ट है वो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, द रिजल्ट विल बी सेम, ओनली थिंग इज इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर एन टर्म्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप is mu naught n I r square upon 2 × r² plus x² raised to 3/2. Finally, coming to the center, जो पिछला रिजल्ट हमने निकाला था एप्लीकेशन वन में मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो ये रिजल्ट अगर तुम्हें याद होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वहां पे भी एक टर्न है, सिर्फ एक टर्न है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर n टर्न्स होगा तो क्या होगा।